नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेस्ट एंड ट्रेवल 24 में। मैं हूं रुपेश और आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं आलू पालक की सब्जी की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है आधा केजी पालक और उसको मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है, और इसमें जो जड़ी होते हैं जड़, उसको मैंने काट के हटा लिया है और हमने पालक को अच्छे से साफ कर लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है थोड़े से आलू, उसको भी मैंने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है और छील भी लिया है। साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, 2 हरी मिर्च और अदरक का छोटा सा टुकड़ा, 6-7 कलियां लहसुन की। अब इन सबको हम बारीक बारीक काट लेंगे, हम अपने पालक को नहीं काटेंगे, पालक को हम डायरेक्ट पकाएंगे। हम अपने आलू को और प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। सबसे पहले हम अपने आलू को काट रहे हैं, इसे हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसे हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे इस तरह से। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने आलूओं को काट लिया है, इसे मैंने ज़्यादा छोटा नहीं किया है, इसे मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटा है ताकि ये पालक शायद आसानी से अच्छे से पक सके। अब मैं प्याज काट लूँगा, इसे एक बार हम अच्छे से वॉश कर लेंगे पकाने से पहले। अब हम प्याज, मिर्ची, अदरक एंड लहसुन को बारीक काट लेंगे, इसको बारीक ही काटना है। और हम इसमें एक्स्ट्रा सूखे मसाले नहीं मिलाएंगे क्योंकि उससे इसके स्वाद में थोड़ी कमी आ जाएगी, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आप प्रॉपर इन्हीं चीज़ों से पालक और आलू की सब्ज़ी बनाएं, इससे बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं प्याज को काटने के लिए, इसे हम बारीक काटेंगे। बारीक लंबा काटना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक इन सारी चीज़ों को बारीक बारीक अच्छे से काट लिया है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है चूल्हे पे और हीट को मीडियम रखा है। मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें ऑयल डालूंगा मैं, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है पालक की सब्ज़ी के लिए। 2 चम्मच ऑयल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है जब तक इसमें थोड़ा धुएं टाइप से ना उठने लगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली सरसों 2 चुटकी और थोड़ी सी जीरा 2 चुटकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा तेल गर्म हो गया। हम इसमें 2 चुटकी काला सरसों लिया है हमने और इसे डाल रहा हूँ। साथ में थोड़ा सा जीरा, ये भी 2 चुटकी है। इसके साथ ही पहले मैं इसमें डालूँगा अदरक कटा हुआ, लहसुन कटा हुआ। साथ में मिर्च कटा हुआ। अब इन्हें अच्छे से पकने दूंगा, ये हल्के ब्राउन हो जाने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा लहसुन, जीरा और मिर्च सारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे अपना बारीक कटा हुआ प्याज मिक्स करूँगा। हम अपने गैस के फ्लेम में यहाँ पे मीडियम टू लो रखेंगे, मीडियम से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, हाई पे हमारी सब्जियाँ जल सकती है। तो हम मीडियम पे रखेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमने प्याज को भूनते हुए अच्छे से क्रश कर लिया है, हमारे प्याज की एक एक लेयर अलग अलग हो गई है और अच्छे से भून रही है। इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे।
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है भूनते भूनते। अब इस स्टेज पे हमने वॉश किए हुए कटे हुए आलूओं को ऐड करेंगे इसमें। और हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे स्लाइटली, आलू को अपने प्याज के साथ। हमने अपने आलू और भुने हुए प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। दोस्तों 2 मिनट हमने पका लिया है ढककर अपने आलू को। इसे थोड़ा सा हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपने पालक, जो हमने ऑलरेडी बना करके बॉश करके रखा था, इसे हम यहाँ ऐड करेंगे। ऐसे ढककर हम कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, मीडियम या लो फ्लेम, जैसा आपको लगे आप अपने अनुसार मीडियम या लो फ्लेम रख सकते हैं। अगर आपकी आलू ज़्यादा तेज़ी से पक रहे हैं तो आप लो फ्लेम में रख सकते हैं, और अगर आलू थोड़े कम पके हैं तो आप मीडियम फ्लेम में रख सकते हैं। इससे पालक थोड़ा गलेगी, अब पानी छोड़ेगी। हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए इस स्टेज पर रखेंगे। दोस्तों 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे हटा रहा हूं और देख रहा हूं मैं हमारे आलू पालक की स्थिति कैसी है। हमारा पालक लगभग गल चुका है। अब यहाँ इससे हम इस तरह से काट काट के भूंजेंगे, इस तरह से दबाएंगे ताकि पालक अपनी कटिंग होते रहे धीरे धीरे, और साथ में इसे मिक्स करेंगे। हमारे पालक ने बहुत अच्छी पानी छोड़ी है, हमारा आलू भी नहीं जला। हम इस तरह इससे पालक को काटते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने पालक डाला था उसमें पालक ही पालक नज़र आ रहा था। अभी पालक गल गया है तो सिर्फ आलू ही आलू नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, जब आपस में दोनों मिक्स होंगे थोड़ी देर में ना, तो दोनों सेम सेम नज़र आएंगे। हम अभी इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आलू पालक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ स्वाद अनुसार नमक। ये हमारे पालक आलू और पालक को अच्छे से पकने में और मदद करेगा, और नमक के कारण हमारी सब्जियां अच्छे से पकेगी। तो नमक मिक्स डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों। अब हम इसे फिर से 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा आलू और पालक अच्छे से गल जाए। हमने अपने हीट का फ्लेम लो ही रखा है, आप भी लो ही रखें। अब 5 से 7 मिनट के लिए अगेन पकने दें। दोस्तों हमारा 5 से 7 मिनट हो गया है, अब मैं इसे फिर से हटा रहा हूँ और देख रहे हैं हमारा आलू पालक अच्छे से पक गया है। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हम अपने स्वादानुसार नमक तो मिक्स कर ही दिया है, यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे आलू पालक में जो पानी है वो थोड़ा तेज़ी से सूख जाए और हमारे सब्जी में थोड़ा टेस्ट आ जाए। टेस्ट के लिए हम अलग से कोई सूखा मसाला नहीं मिला रहे हैं, बस हल्दी मिला रहे हैं थोड़ा सा, लगभग 1/2 से 1 चम्मच, जिससे हमारे सब्जी में थोड़ा सा स्वाद आ जाए, कलर आ जाए। इतनी हल्दी हम मिक्स करेंगे। दोस्तों लगभग 1/2 चम्मच हल्दी हमने मिक्स कर दिया है, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। हमने अपने हीट का फ्लेम में लो ही रखा है,
और हम इसे सफाई से मिक्स करके फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी अच्छे से मिक्स हो गया है हल्दी के साथ। हम इसे फिर से लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम निकालेंगे हमारी सब्जी तैयार होगी। दोस्तों हमारा 5 से 7 मिनट हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपनी थाली को हटा रहा हूँ और अपने सब्जी के हालात देख रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी सब्जी काफ़ी अच्छी पक गई है और ये चिपक भी रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से पक गई है। हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे, लगभग भुनने टाइप से। हमने फ्लेम को लो पे रखा है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह से। और ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, इसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा हमारा सब्जी बन चुका है। आपकी यही सब्जी इतनी बेहतरीन टेस्ट देगी ना दोस्तों, आपको अलग से सूखे मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया, बस उन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस सब्जी को बनाएं, आपकी एक नंबर की सादा और क्या कहते हैं उसको, सात्विक और बेहतरीन भोजन है। इसके साथ आप चावल रोटी कुछ भी खा सकते हैं। एकदम बेहतरीन सब्जी बनकर रेडी हुई है। अब हम अपने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। अब तक के लिए यही रेसिपी। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों। और हमारे वीडियो में हमारी रेसिपी पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें फॉलो करते रहें। नमस्कार।